Good morning, everyone. I welcome you all to an Academy Studio Rise, which is again India's largest channel for UPSC preparation. चलिए शुरू करते हैं आज के जो important topic है. Before that, let me tell you कि कल जो मैंने आपको mains का question दिया था उसमें बहुत सारे students जो है उन्होंने answer send किया है group में. I will let you know कि आपको कहाँ पे आपने जो answers है वो send करने हैं. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो answer कल जो इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी डिस्प्यूट है उस पर दिया गया था, और उसमें कई स्टूडेंट्स ने जो आंसर तो लिखा है काफ़ी अच्छा लिखा है, बट आई आस्क टू यू कि आपको मैप भी ड्रॉ करना है. यू हैव टू शो कि बेसिकली काला पानी एरिया है कहाँ पे. ठीक है, तो एक जो आंसर है रमित ने भेजा है वो अच्छा है, और भी बहुत सारे आंसर है, और एक स्टूडेंट पवनी उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है. सो कीप राइटिंग, ठीक है, सभी लोग जो है लिखने का कोशिश करो, और एंड में आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आपको आंसर कहाँ पर सेंड करना है. आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो देख लेते हैं. किलिंग ऑफ ईरान कमांडर, ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बेसिकली, है ना. उसके बाद संगीत कला निधि अवार्ड ये डिस्कस करेंगे. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक और एंगल डिस्कस करेंगे. वैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं, है ना, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन का एक एंगल, मतलब हमने इस एक्ट के अलग अलग एंगल्स डिस्कस किए हैं, जैसे इसके प्रोविजंस, क्रिटिसिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन, और सरकार को क्या करना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर क्या है, और एक आज नया एंगल है कि कोई भी स्टेट असेंबली क्या कोई रिजोल्यूशन पास कर सकती है ऐसे लॉ के खिलाफ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है, पास किया गया है. ठीक है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने पास किया है, और क्या कोई स्टेट की असेंबली ऐसा कर सकती है, अगर करती है तो उसकी क्या इंपैक्ट हो सकते हैं. तो ये एक दूसरा एंगल है जो आज हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे. उसके अलावा कोटा में जो डेथ हुआ इन्फेंट्स की, तो इसको एज एग्जाम्पल के रूप में आप यूज कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद NCLAT हमने पहले भी डिस्कस किया है. फिर टैक्सिंग फैट पर एक आपका एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, और फिर आपका मेंस का लास्ट में आई विल गिव यू द क्वेश्चन. सो बिफोर आई स्टार्ट, ओके, दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म. तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को जरूर से ज्वाइन करें. बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के आप कोर्सेस यहाँ पे कर सकते हैं. आपकी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके कर सकते हैं. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं. मेरे द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स रन किया जा रहा है, रिविजन कोर्स ऑन जनरल स्टडीज फॉर प्रीलिम्स 2020, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. साथ में दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं. एक दूसरा भी कोर्स है, डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है. इसके अलावा दूसरे भी जो एजुकेटर्स हैं, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा दूसरे भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेज चलते हैं जितने भी एजुकेटर्स के द्वारा, आप उन सभी को देख सकते हैं. करना आपको सिर्फ इतना है कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है उसको क्लिक करना है और उसका सब्सक्रिप्शन लेना. मतलब अगर आपने 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी एजुकेटर्स आएंगे, जितने भी एजुकेटर्स के कोर्सेज होंगे, उन सभी की कोर्सेज आप कर सकते हैं. मतलब आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे वो GS 1, 2, 3, 4 हो, मतलब मेंस के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज है. तो जो अमाउंट है, अमाउंट जो आप देख रहे हो, ये एक कोर्स या एक एजुकेटर के लिए नहीं है, ये सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज के लिए, मतलब पूरे साल तक जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आएंगे उन सभी को आप देख सकते हैं. दूसरा है कि आपको SP Live रेफरल कोड भी याद रखना है. अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, SPLIVE. चलिए शुरू करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं. तो यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, डांस फेस्टिवल बिगिंस इन चेन्नई. तो चलो डांस फेस्टिवल तो बिगिन हुआ है चेन्नई के अंदर, बट यहाँ पे एक अवार्ड है, एक यहाँ पे जो पिक्चर है वो बेसिकली नृत्य कला निधि अवार्ड का है. ठीक है, तो पहले जो अवार्ड आया था वो था संगीत कला निधि अवार्ड, और इसी का एक फॉर्म नृत्य है. संगीत मतलब म्यूजिक पे दिया जाता है, नृत्य वर्ड अगर आपने यूज़ कर लिया तो मतलब डांस में दिया जाएगा. जैसे नृत्य कला निधि अवार्ड आपको दिया गया है, आई थिंक प्रियदर्शनी गोविंद, ठीक है, नृत्य कला निधि अवार्ड प्रियदर्शनी गोविंद को दिया गया. अब ये अगर आप बात करो इन जनरल संगीत कला निधि अवार्ड या फिर नृत्य कला निधि अवार्ड की भी अगर आप बात करेंगे, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये बेसिकली दिया जाता है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है. और मेनली जब आप सिर्फ संगीत कला निधि अवार्ड की बात करोगे तो जो लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन प्रमोटिंग कार्नेटिक म्यूजिक,
उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें आपका गोल्ड मेडल दिया जाता है और बिरुदु पत्र जो है वो दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो संगीत कला निधि अवार्ड, अगर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मद्रास मद्रास म्यूजिक एकेडमी उसके द्वारा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो कार्नेटिक म्यूजिक पे काम करते हैं, मतलब जो उसको प्रमोट करने में काम कर रहे हैं, उनको ये दिया जाता है। जैसे इस बार अगर आप नृत्य कला निधि अवार्ड की बात करोगे तो उसको उसमें उसको दिया गया है किसको, आपके प्रियदर्शनी गोविंद को भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। नृत्य कला निधि अवार्ड तो वो डांस के लिए दिया जाएगा। संगीत कला निधि अवार्ड वो म्यूजिक के लिए दिया जाएगा। कला निधि सेम है तो इसका मतलब देगा कौन, मद्रास म्यूजिक एकेडमी। अब बात करते हैं कार्नेटिक म्यूजिक की। तो कार्नेटिक म्यूजिक बेसिकली जो सदर्न जो एसोसिएटेड है सदर्न इंडिया से, जो मेजर स्टेट्स है, चाहे वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका जैसे, मतलब इन स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में, इवन श्रीलंका में भी आपकी कार्नेटिक म्यूजिक प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल केरला स्पीकर। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात करोगे तो बहुत सारे आपके आए हैं आर्टिकल्स, मतलब पूरे पेपर में दो ही आर्टिकल्स मेजर आए हैं। एक तो वो जो कासिम सुलेमान हैं उनकी, उनका जो यूएसए ने उसको किल किया है, तो एक वो और एक आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पूरे न्यूज़पेपर में मैक्सिमम यही है। बट हमें अपने सिलेबस के अनुसार कुछ चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे अलग अलग ओपिनियंस को देख लेते हैं। पहला तो ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि केरला असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट जो लॉ लेकर आया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई स्टेट है या सेंटर है, अगर आप हम अपने एंगल से देखें तो अगर स्टेट है और सेंटर है तो कुछ उनकी जो पावर है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हो, लेजिस्लेटिव पावर्स हो या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो संविधान के अंदर डिफाइंड है। ऐसी सिचुएशन में क्या अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है तो स्टेट के पास क्या वो राइट है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या वो राइट है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सके अगेंस्ट दैट लॉ, ये क्वेश्चन। अगर आप लेजिस्लेटिव की बात करोगे तो आर्टिकल 245 से लेके 255 है ना, ये दो आर्टिकल्स हैं इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो लेजिस्लेटिव रिलेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में वो आपका डिफाइन है। और यहाँ पे अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर जो भी लॉ बनाएगा अगर यूनियन लिस्ट से, वो लॉ पूरे मतलब पूरे इंडिया के अंदर जो इंडिया का टेरिटरी है उसमें एप्लीकेबल होगा। वहीं स्टेट जो भी लॉ बनाएगा वो स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं कि किन पर लॉ स्टेट बना सकता है, जो आपकी लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और किस में आपका जो है सेंट्रल लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए। अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट से दूर हटके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर देखो तो कई सारे जो इश्यूज़ हैं वो आपके अराइज हो सकते हैं कि क्या जो स्पीकर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, क्या उसके जो स्पीकर है उनके पास ये राइट है कि वो अलाउ करें ऐसे रिजोल्यूशन को पास होने के लिए। लेकिन अगर आप उनके ओपिनियन को देखते हो, उनका ये कहना है कि अगर पार्लियामेंट ने संविधान को अबाइड नहीं किया है तो हम जो है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब हम अपने इस रिजोल्यूशन से अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम जो है रिजोल्यूशन से उस संविधान के जो आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रखेंगे, ऐसा कहना है। और ये भी कहा गया है कि मतलब स्पीकर के द्वारा कि अगर आपको लगता है कि स्टेट असेंबली ने गलत किया है, अगेंस्ट पार्लियामेंट के खिलाफ किया है, तो आप प्रिविलेज मोशन लेकर आ सकते हो। तो अगर आप प्रिविलेज मोशन की बात करोगे जो कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मिलता है, कोई मेंबर है पार्लियामेंट का उसको भी रहता है, और कलेक्टिवली देखोगे तो पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है। तो अगर आप समझो कि जो पावर है या कोई लॉ है अगर पास किया गया है उसके खिलाफ कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ लेकर आ रही है टोटली क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे प्रिविलेज मोशन भी पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा सकता है। बट ये डिपेंड करता है लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके ऊपर। तो ये कई एंगल्स आपके अराइज होते हैं अलग अलग जगहों पे, जब सेंटर स्टेट रिलेशन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे इस एंगल को आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे तो बहुत सारी डिबेट हुई है, उस पर हमने डिस्कस भी किया है, और अगर आप उसका ब्रीफ में देखोगे तो सिंपल सी चीज़ हमने ये डिस्कस की हुई है कि कोई भी पर्सन,
कोई भी पर्सन जो उन छह रिलीजन से बिलोंग करता है और तीन कंट्रीज से आया हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, और उसने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस किया है, तो उसको एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर अगर आप देखोगे, बेसिकली सर्टेन प्रोविजंस है जिसको ध्यान में रख के आपका कोई भी सिटीजन बन सकता है ना, बेसिक कुछ प्रोविजंस है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 14 इयर्स में आपको 11 इयर्स रहने होते हैं देश के अंदर। इस प्रिंसिपल को उन्होंने, मतलब इस प्रोविजन को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया है उन छह रिलीजन के लोगों के लिए जो कि तीन देशों से बिलोंग करते हैं, और वो है क्या है कि 11 साल को कम करके 5 साल कर दिया गया। अब इसको क्या है, मतलब अगर इसी से फिर बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रेट करना स्टार्ट हो गई कि जो है एक कम्युनिटी की जो आप कह सकते हो कि जो बेसिकली जो उनकी सिटीजनशिप है वो ले ली जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक कट ऑफ डेट भी मेंशन्ड है, और वो कट ऑफ डेट क्या है कि दिसंबर 31, 2014 के बाद अगर इन छह रिलीजन से भी लोग अगर कोई आता है और भारत में रुकता है तो उन्हें भी सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। मतलब कि जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी जो 11 से 5 साल के लिए कर दिया गया। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के उसमें परिवर्तन किया गया हो मेजर। एक छोटा सा क्लॉज जो 6B सेक्शन 6B आपका इंट्रोड्यूस सिर्फ किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिटीजनशिप उन छह रिलीजन के लोगों के लिए जो आपके तीन देशों से आए हुए हैं और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन उन्होंने फेस किया है, और आपका दिसंबर 31, 2014 से पहले वो इंडिया में आके कैंप्स और इसम में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अब इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे केरला जो है, केरला ने रिजोल्यूशन पास किया, तो यहाँ पे एक इशू आ जाता है सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रिविलेज मेंशन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो भी इन राइट्स को एंजॉय करते हैं, साथ में इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। जो पार्लियामेंट एज अ होल की भी अगर आप बात करो तो उसके भी सर्टेन प्रिविलेजेस हैं जिसको अबाइड करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स एंड इम्यूनिटीज आर डिसरिगार्डेड एंड द ऑफेंस इज कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर ये प्रिविलेजेस कोई भी ब्रीच होते हैं या अबाइड नहीं होते हैं तो फिर उसके खिलाफ जो है पार्लियामेंट कोई एक्शन भी ले सकता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं कासिम सुलेमानी की। अब ये बहुत ही सारे आर्टिकल्स आए हैं कासिम सुलेमानी, उसके बाद US किल टॉप ईरानियन जर्नल इन एयर स्ट्राइक, उसके बाद ब्रेसिंग फॉर ग्लोबल इंपैक्ट आफ्टर सुलेमानी, इंडिया एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर सुलेमानी स्किलिंग, इवन कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो ये कई सारे इश्यूज आपके आए हैं तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। देखो अगर आप कासिम सुलेमानी की बात करो तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि कासिम सुलेमानी है कौन। कासिम सुलेमानी ईरान की इलाइट फोर्स, उसका नाम है कुद्स, ठीक है, QUDS कुद्स जो उनकी इलाइट फोर्स है उसके वो आप कह सकते हो चीफ है, और ईरान में भी मतलब आप कह सकते हो कि इनका काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है, ठीक है, एक कल्ट के रूप में फॉलो किया जाते हैं, ठीक है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों की बात करो, मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया की बात करो, तो वहाँ पे डिवीज़न है सिया और सुन्नीस के बीच में, ठीक है, मुस्लिम सेक्ट में भी डिवीज़न है सिया और सुन्नी के बीच में। कासिम सुलेमानी जो है इन्होंने ये कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिया कम्युनिटी, ठीक है, कश्मीर में भी, इसीलिए जो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने इस किलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये एक चीज़ देखो कि जब ईरान और इराक के बीच में वॉर हुई थी तो उस समय यूएसए ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था, और ईरान की तरफ से कासिम सुलेमानी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपनी कंट्री के लिए। उसी तरीके से अगर आप सीरिया में जाओगे तो सीरिया में भी जो लड़ाई है वो है सिया और सुन्नी की, ठीक है, जो सुन्नी ग्रुप है, रिबेलियस ग्रुप है,
जिसका नाम अल नुसरा है, और इसी अल नुसरा ग्रुप से आपका आइसिस बना है। अगर आप आइसिस के फॉर्मेशन की बात करोगे तो बहुत सी रिपोर्ट्स ये हाईलाइट करती हैं कि यूएसए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि देखो यूएसए जैसे जो देश है उनको ये चीज़ पता है कि उनके लिए जो मार्केट क्या है, अगर उनके अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने हैं तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि उस पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस रहे। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्टर्बेंस है तो उनको फ़ायदा क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच सकते हैं। तो ऐसे डिफेंस लॉबीज भी होते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व रहते हैं कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर रीजन में हो। लेकिन अगर आप यहाँ समझो तो सीरिया में अगर देखते हैं तो सीरिया के अंदर आपका जो सिया है मतलब बशर अल असद, उनके सपोर्ट में ये कासिम सुलेमानी थे, और ये कई रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि जो अल नुसरा ग्रुप है ना, जिसको सपोर्ट सऊदी अरेबिया का मिला है और सऊदी अरेबिया का सपोर्टर यूएसए है, तो इनडायरेक्टली जो अल नुसरा ग्रुप है उसको सपोर्ट आपका यूएसए का भी था, ठीक है। ऑल दो कुछ जगह पे यूएसए ने अपने स्टैंड अलग भी रखे। इराक में अगर आप जाओ तो इराक के अंदर भी सिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट ही है। आइसिस जो आया था, आइसिस भी सुन्नी डोमिनेटेड था, और यहाँ पे अगर आप देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल इराक के अंदर देखते हो तो इस आइसिस के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, और जो सिया डोमिनेटेड सरकार थी इराक की, उसकी मदद भी कासिम सुलेमानी ने की थी, ठीक है, जो कासिम सुलेमानी है उसकी मदद भी की गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो ध्यान रखना है। अब अगर कुछ इवेंट्स देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, कुछ इवेंट्स देखते हो तो लगभग आई थिंक 31 जनवरी को जो एम्बेसी है यूएसए में, जो लगभग 100 एकड़ की है, 100 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऑपरेशन रन किए जाते हैं, इसलिए इतना बड़ा एरिया आपका बना रखा। 100 एकड़ की आपकी वो एम्बेसी, और वहाँ पे आपके कह सकते हो कि वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पे अटैक हुआ था, ऑल दो उसमें किसी की डेथ नहीं हुई यूएसए की, बट जो पीएमएफ ग्रुप है उसने अटैक किया था, जो मिलिशिया ग्रुप है इराक का, उसने मतलब प्रोटेस्ट कैरी आउट किया था और बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था, बर्निंग वर्निंग हुई थी, सारी चीज़ें, ठीक है। और ये कहा गया था यूएसए के द्वारा कि ऐसे प्रोटेस्ट के लिए जो जिम्मेदार पर्सन है वो आपके कासिम सुलेमानी हैं, और अगले ही दिन सेकेंड या थर्ड को कासिम सुलेमानी को मार दिया गया, थर्ड जनवरी आई थिंक, है ना। और ये जो मारा गया है उसमें क्या था कि वो बगदाद एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी से आ रहे थे और ड्रोन के थ्रू मारा गया, ठीक है। और इस चीज़ को क्लेम भी किया गया यूएसए के द्वारा, जो साफ साफ उन्होंने कहा कि क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे, और दूसरा ये भी कहा गया कि ये मतलब डेजिग्नेट भी किया गया है एक एज अ इंटरनेशनल टेररिस्ट, और जो खुद फोर्सेस हैं है ना उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो जिससे वो जिसे डिराइव हुई है ईरान की फोर्स से, खुद फोर्स, उसको भी आपका इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए ने डिक्लेयर कर रखा है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इस सारी सिचुएशन को अगर आप समझते हो तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो सिचुएशन है वहाँ पे टेंस है, क्योंकि ईरान में जैसे कहा गया कि कासिम सुलेमानी एज अ कल्ट के रूप में फॉलो किए जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और अभी वहाँ भी ईरान की अगर आप बात करो तो एज अ कल्ट के रूप में फॉलो किए जाते हैं, और ईरान में अभी इलेक्शन भी होने हैं, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो कोई कदम नहीं उठाएंगे तो उन्हें इलेक्शन जो है हारना पड़ेगा, तो उन्हें भी कोई कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूएसए में भी इलेक्शन है, तो यूएसए में इलेक्शन है तो यूएसए के जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी इम्पीचमेंट उन्होंने फेस किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो भी अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि कोई भी अगर इंडिया के इंटरेस्ट मतलब यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज भी वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जब ये मारा गया तो एक फ्लैग जो है अमेरिका की वो किया। तो यहाँ पे ये जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है विद इन ईरान और विद इन यूएसए, ये एक ऐसी सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है कि दोनों ही आप कह सकते हो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन या वार की सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो होगा क्या कि ऐसे देश जो सिया डोमिनेटेड है मिडिल ईस्ट में, जैसे यमन है, सीरिया है, इवन इराक एक बैटल ग्राउंड बन सकता है यूएसए और ईरान के लिए, क्योंकि एक तो इराक के ही अंदर आपकी एम्बेसीज हैं, बहुत बड़ी एम्बेसी है यूएसए की, 100 एकड़ की वो जो एम्बेसी है, और दूसरा ये है कि इराक में जो सिया आइसिस के खिलाफ लड़ाई हुई थी उसके खिलाफ ये जो लड़ाई हुई थी उसमें जो कासिम सुलेमानी है उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था, और इराक के अंदर भी सिया पॉपुलेशन काफ़ी है, वो भी फॉलो करती है कासिम सुलेमानी को, तो वो भी चाहेंगे कि यूएसए की सारे का सारा जो ऑपरेशन यहाँ से बंद किया जाए,
तो यहाँ पे इराक को भी, ईरान को भी खुश करना है और यूएसए को भी खुश करना, तो इराक एक तरीके से एक बैटल ग्राउंड बन सकता है ईरान और यूएसए के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। है ना, अब अगर यही सेम सिचुएशन चलती रहेगी तो एक ग्रुपिंग बनेगी ईरान के उसमें, और एक ग्रुपिंग यूएसए और सऊदी अरेबिया की साथ मिल सकती है, और फिर एक आप कह सकते हो टेंस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। ये कुछ ऐसे एंगल्स है। अब अगर आप इंडिया के इंटरेस्ट की बात करो कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट है, पहली चीज़ तो ये है कि ईरान के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होगा तो जो हमारा चाबहार पोर्ट है, जो कि ऑलरेडी डिले चल रहा बनाने में, वो और डिले काम होगा। उसके बाद क्या है, दूसरा हमारे बहुत सारे जो इंडियंस मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि जो ऑयल के प्राइजेज हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। मेनली रीज़न ये है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ ऑयल रिफाइनरीज हैं, जैसे अभी यमन की जो हाउथी ग्रुप है उन्होंने अबकैक और खुरैश नाम की जो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे अटैक किया था, अबकैक और खुरैश नाम को। और जब भी सऊदी अरेबिया के इन रिफाइनरीज पे अटैक किया गया तो उससे फिर ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो अगर ऐसा डिस्टर्बेंस होगा तो फर्दर ऑयल प्राइस में इंक्रीज़ आपका होगा। तो ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इन सारे आर्टिकल्स को मिला के यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनएचआरसी टेल्स राजस्थान टू एक्सप्लेन कोटा डेथ्स। अब देखो ये एक ऐसा इशू है, देखो इस पे अब पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना ये सारी चीज़ें तो एक अलग इशू है। ठीक है, वह पॉलिटिकल डिबेट तो चल ही रही है कि देखो हमारे टेन्योर में कम लोग मरे और बीजेपी के टेन्योर में ज़्यादा लोग मरे। ठीक है, इस टाइप से डिबेट आपकी चल रही है, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली कमी कहाँ रह गई है, तो वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी हर जगह पे आप कह सकते हो कि बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो जाके हर चीज़ चेक नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल करने की बहुत बड़ी एक आप कह सकते हो कि ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, कुछ अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में देखते हो तो कुछ ऐसी चीज़ों की कमी रहती है जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, टैक्स पेयर मनी से जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे सब सबको पैसा जाता है, सैलरी उठाते हैं, सब होते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो उसको फुलफिल नहीं की जाती। और यहाँ पे जो इतने बच्चों की डेथ हुई है, इसमें अगर आप कई दूसरी जगह पे इंसिडेंस हुए, जैसे अगर आप गोरखपुर में जब इंसिडेंस हुआ था जिसमें भी बच्चे मरे थे, और उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जापानीज एंसेफलाइटिस नाम की बीमारी है, उसके स्प्रेड की वजह से जो है वो डेथ हुई थी। तो एक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई थी, जिसको कंट्रोल किया जा सकता था, ऑल्दो वो बहुत समय से वो बीमारी स्प्रेड होती है, बट कुछ प्रिकॉशंस डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए था बट नहीं लिया गया और उसमें डेथ हुई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई बीमारी भी स्प्रेड नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ रीजंस जो हाईलाइट किए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है कि जो इंक्यूबेटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इवन ये चीज़ कहा गया है कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रखा जाता है इंक्यूबेटर के अंदर, तो वहाँ पे इतने एक तो काम नहीं कर रहे, और क्या है कि एक ही इंक्यूबेटर में दो दो तीन तीन बच्चों को रख रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या हाईलाइट कर रहा है, क्या जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये नहीं पता कि हमारे हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर है कि नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, और फर्दर उसको रिपोर्ट आगे देनी चाहिए कि देखो हमारे यहाँ पे ये कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि अगर ये सेम चीज़ कंटिन्यू रखेगा और कंटिन्यू रहती है और कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो दूसरे भी सपोज किसी दूसरे स्टेट में ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी डॉक्टर्स ऐसे ही करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगर पॉइंट आप देखोगे, अ कमिटी लेड बाय सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड सीनियर डॉक्टर्स हु विजिटेड द हॉस्पिटल ऑन दिसंबर 27 टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द एक्सट्रीम कोल्ड हैज़ मेड इट टफर फॉर बेबीज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर द लाइफ टू सर्वाइव देयर इलनेस। अब यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी हुई है, रीजन देखो कि ये रिपोर्ट कहती है कि जो बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप ठंड की बात करो तो क्या वो ठंड सिर्फ कोटा के हॉस्पिटल में थी, ये सोचने वाली बात है, या फिर वो ठंड और जगह भी थी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि अगर आप किसी को कहते हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होना चाहिए तो वो बेसिकली आपको हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले या फिर जैसा भी हो। ठीक है, यहाँ पे आप ये रीजंस नहीं देख सकते, कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड थी वहाँ पे या फिर है ना इसलिए बच्चे नहीं बच पाए, तो एक्सट्रीम कोल्ड पूरे भारत में थी।
ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है उनकी उनका बर्थ हुआ है, तो हर जगह तो ऐसे केसेस नहीं हुए। उसके बाद देखो, ऑल बेबीज हु डाइड वेयर एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में उनको एडमिट किया गया था। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस वेयर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो बच्चे लाए गए हैं, जो मरे हैं, वो बेसिकली क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए थे, क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए थे, तो इसलिए हम नहीं बचा पाए। तो फिर डॉक्टर जो है, फिर मतलब जो हेल्दी बच्चों को लाएंगे उन्हीं को बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्यूबेटर्स नहीं है तो इसके लिए डिमांड करनी चाहिए, है ना, जो डॉक्टर्स वहाँ, क्योंकि ये भी देखने वाली बात है कि कितने असाइंड वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, और जो डॉक्टर्स वहाँ पे हैं क्या वो उतने सफिशियंट हैं कि वो काम कर पाएँ, या फिर उनके पास स्पेशलाइजेशन है इन सबसे रिलेटेड, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के एक इन्वेस्टिगेशन की जरूर से ज़रूरत है, और उसके बाद फिर जो कदम है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कदम उठाएगी। यहाँ पे जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने भी इस चीज़ को सुओ मोटो नोटिस किया है, और उसने भी रिपोर्ट मांगी है ह्यूमन राइट वायलेशन के, जो बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन है वो। तो बहुत सारे बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इस मैटर को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए मीडिया में भी, बट मीडिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं चल रही आजकल। रतन टाटा मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट NCLAT वर्डिक्ट टू रीस्टेट मिस्ट्री। अब यहाँ पे NCLAT हमने कल भी डिस्कस किया था, तो वो एक अलग डिबेट चल रही है कि जैसे जो जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने कहा है कि जो साइरस मिस्ट्री उनको दोबारा चेयरमैन बनाया जाए, तो ये क्या है, ये ट्रिब्यूनल बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है इन इंडिया दैट एडजुडिकेट्स इशू रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज। स्टैब्लिश किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जून 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्टिस जैन कमिटी के रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बाय बैंकरप्टसी कोड 2016। तो IBC जो कोड है उसको भी इंप्लीमेंट करना, और कंपनी से रिलेटेड अलग अलग जो एस्पेक्ट है ग्रीवेंसेस उनको भी सुनने का काम आपका NCLAT करती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस आपका किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ओबेसिटी अंडर न्यूट्रिशन को एग्जिस्टिंग इज अ चैलेंज। ये बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप मैल न्यूट्रिशन की बात करो तो मैल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, अक्रॉस द वर्ल्ड अंडर न्यूट्रिशन के केसेस आपके कम हो रहे हैं, लगभग 150 मिलियन के आसपास है अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप ओवर न्यूट्रिशन की बात करो, ओबेसिटी की बात करो, मोटापा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, लगभग 2.3 बिलियन के आसपास केसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें ओबेसिटी को रोकने के लिए, क्योंकि इसका फिर हेल्थ इसका जो इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ता है, जो फैट है, फैट वाली चीज़ें खाने से, शुगर वाली चीज़ें या सॉल्ट बहुत ज़्यादा होने से, ऐसी चीज़ों को जैसे प्रोसेस फूड में बहुत इस्तेमाल होता है, तो उन फूड को अगर आप कंज्यूम करते हो तो ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटापे के चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, तो उससे फिर हेल्थ पर भी कई इशू जो है वो अराइज होता है। तो इसका जो अगर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जैसे टैक्स किया जाए, है ना, टैक्स किया जाए, टैक्सिंग हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको टैक्स किया जाए, इनके प्राइस बढ़ेंगे। अभी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वो अगर पिज़्ज़ा मैनिया है तो सस्ता मिलता है, ठीक है, और दूसरे जो पिज़्ज़ा देखोगे वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो पिज़्ज़ा मैनिया जो है उसको बच्चे और जैसे स्कूल से हैं या फिर है ना जो पॉकेट मनी थोड़ा बहुत मिला तो उसको बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे, तो अगर उसका प्राइस बढ़ा दे तो अब ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ये अलग बात है कि बच्चे फिर खरीद ना पाएँ, बड़े फिर क्योंकि महंगा है तो अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें हैं। ये टैक्स अगर लगाते हैं हाई फैट या हाई शुगर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर, तो एक तो सरकार के पास भी रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा प्राइस बढ़ेगा तो शायद लोग कम खाएं। ठीक है, कई कंट्रीज़ में ऐसा किया भी गया है, चाहे UK और मैक्सिको जैसे देशों में ऐसा किया भी गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इसको इसका एक और सोल्यूशन, एक तो टैक्स तो लगाओगे, दूसरा सोल्यूशन है कि ये टर्म भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ ट्रैफिक लाइट लेबलिंग। ट्रैफिक लाइट लेबलिंग काफ़ी न्यूज़ में, जैसे ट्रैफिक में क्या होता है, रेड हो गई, येल्लो हो गई, ग्रीन हो गई, इसी टाइप से लेबलिंग करने की ज़रूरत है ऐसे फूड प्रोडक्ट्स में जिसमें हाई फैट शुगर कंटेंट है, जिसमें कम है, जिसमें नहीं है। ठीक है, और ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, FSSAI के द्वारा, जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आपकी 2006 के लॉ के तहत बनाई गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लॉस को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये ट्रैफिक लाइट लेबलिंग किया जाए, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आपका
जो है रेड, जहाँ पे थोड़ा कम है वहाँ पे येलो, और फिर जो है बिल्कुल भी नहीं है ऐसे कंटेंट फैट और शुगर कंटेंट, तो वहाँ पे आपका जो है ग्रीन करना चाहिए। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कट गिव मनी टू द पुअर। अब ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इकोनॉमी पर हमने बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, बट ये एक अच्छा सा एंगल और दिखा रहा है, ठीक है, एक और एंगल दिखा रहा है, उसको समझते हैं। देखो, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किए तो इससे सरकार को रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा लॉस हुई, हमने पहले डिस्कस किया हुआ इस पॉइंट को, और ये जो लॉस हुआ तो ऑलरेडी जो फिस्कल डेफिसिट जो हमें टारगेट मीट करना है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कहा कि हम ₹102 करोड़ लगाएंगे, जिसमें 39 लाख करोड़ जो है 102 लाख करोड़, और जिसमें 39 लाख करोड़ सेंटर, 39 लाख करोड़ स्टेट और 22 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर ये देगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 39:39:22 ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब क्या सेंटर के पास पैसा है इतना? कॉर्पोरेट टैक्स से काफ़ी पैसा जनरेट होता था तो उसको तो हमने कम कर दिया। क्यों कम किया? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स से जो पैसा कम होगा उसको फिर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और उससे फिर इकोनॉमी जो है वो थोड़ा तेज होगी। लेकिन जो जो आपके प्राइवेट सेक्टर है या फिर आप कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज हैं, वो इन्वेस्ट करने से डर रही हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो आपकी कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, जो डिमांड है वो डिमांड आपकी कंपेरेटिवली कम है, तो अगर उन्होंने पैसा लगाया तो उसका रिटर्न उनको इतना आसानी से नहीं मिले। तो इसमें ये कहा गया कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, इसके बजाय आप प्रयास ऐसा करते कि जो पुअर है, ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर आप ये समझो कि जो लोग हैं उनके परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जाते, ठीक है, तो अगर उनके परचेजिंग पावर बढ़ता, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होती, तो जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो क्रिएट होती, और अगर डिमांड क्रिएट होती तो फिर अपने आप ही कॉर्पोरेट सेक्टर जो है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते, ठीक है। ये एक एंगल दिया गया, बहुत एक यूनिक एंगल है जो दिया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रोइंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड यूएसए विल इम्पैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट, डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे मैप बनाना मत भूलना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहाँ मैप बनाने की पॉसिबिलिटी है उसको भी आप कोशिश करो, ठीक है। आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, डेली डोज विथ एस डॉट पांडे, ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, डेली डोज विथ एस डॉट पांडे। कल का जो आंसर था उसमें रमित ने अच्छा आंसर लिखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था, अभी सबका नाम जो है इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और पवनी जो है उन्होंने लिखा था, है ना, तो आप लोग भी ट्राई करो आंसर लिखने का, ठीक है, एंड कोशिश करो, एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन लो कि मुझे आंसर रोज लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखो, फिर धीरे धीरे और क्वेश्चंस भी हैं उसको भी आप लिखो, ठीक है, मतलब और भी क्वेश्चंस जो हैं एक साथ जो है उनको भी लिखने का कोशिश करो, बट लिखने की हैबिट जरूर से आपको डेवलप करना है। सो आज के सेशन में इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से ज्वाइन करें, बहुत से इंपॉर्टेंट कोर्सेस आपके चल रहे हैं, एक रिविजन कोर्स ऑन जनरल स्टडीज फॉर प्रीलिम्स 2020, अगेन दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, इसमें सारे स्टैटिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स के भी कोर्सेस हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी आपकी कंडक्ट की जा रही है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं आपके अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर। इंडिया के टॉप एजुकेटर मुणाल सर, रोमन सैनी सर, सिद्धार्थ अरोड़ा हैं, और जतिन वर्मा है, सुदर्शन गुर्जर जैसे इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है, तो आप क्लासेस कर सकते हो और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जब आपसे रेफरल कोड पूछे तो यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड, दैट इज SPLIVE, SPLIVE। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाई 10%, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट में आप पूरे प्लेटफॉर्म को, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, और एक साल तक जितने कोर्सेस आते हैं उन सबको आप देख सकते हो, मतलब आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इसमें कवर्ड है, इंक्लूडिंग प्रिलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू आस्पेक्ट, और प्रिलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, टेस्ट सीरीज भी है, ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं, तो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर और जरूर से सब्सक्राइब करो अनअकैडमी स्टूडियो राइज। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।